कितना दे दिया जाता है। ये देखिए भाई, चीज़ देखिए भर भर के इसके ऊपर आ रहा है। तो भाई देखिए, ये जो हमारा मोमो था अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, इसका जो ये देखिए भाई पूरा सा लवालव भरा हुआ, ये पूरा जाता है क्या या इसमें थोड़ा सा जाता है? हाँ तो बहुत ज़्यादा है उसके अंदर नहीं भाई, देखने में तो बहुत ही यमी लग रहा है। और बहुत ये देखिए अच्छे तरीके से पूरा जो है कुल्लड़ पूरा भर दिया गया है। वो कितना दिया जाता है ये देखिए भाई, चीज़ देखिए भर भर के इसके ऊपर आ रहा है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सब चला गया। ये तो भाई चीज़, ओ भाई चीज़ भाई बहुत ही भर के दिया गया मोमोज देखिए भाई, इतना बढ़िया लग रहा है भाई मुझे। हमारा लगने वाला ये कुल्लड़ मोमो, ये जाएगा हमारा पहले स्टीम चिकन मोमो स्टीम। अभी ये वाला जाएगा देखिए फ्राई होने, ये चला गया तेल के अंदर अच्छे तरीके से, इसको डीप फ्राई किया जाएगा पहले। कितना टाइम लगता है भैया इसको फ्राई होने में? दो मिनट लगेगा इसको डीप फ्राई होने में अच्छे से। ये देखिए अच्छे से इसको डीप फ्राई किया जा रहा है। ये देखिए बढ़िया तरीके से इसको जो है यहाँ पे डीप फ्राई किया जा रहा है, अच्छे से इसको तेल में फ्राई हो रहा है। देखिए ये देखिए भाई, ये चीज़ जाने वाला है प्रोसेस चीज़, ये अमूल का रहता भैया, ये अमूल का चीज़ इसमें दिया जाता है। देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे जो है चीज़ यहाँ पे दिया जाता है। देखिए चीज़ तो यहाँ पे फिलहाल इतना सा यहाँ पे लोड किया गया, फिलहाल इसका जो थोड़ा सा मात्रा यहाँ पे दिया जाएगा कुल्लड़ में। और ये वाला कौन सा? ये बैटर है, ये बैटर है, ये मेयोनीज़ का बैटर रहता है। ये मेयोनीज़ का बैटर ही और जो मोमोज के साथ अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे मिक्स किया जाएगा। ये भैया ले लिया गया हमारा कुल्लड़, ये देखिए पानी में अच्छे तरीके से पहले सोक कर लिया गया था। इसको सोक करने के बाद देखिए इसका भी निकाला गया, इसके अंदर जो है मोमो लगने वाला है। और इसका जो बैटर है ये रेडी हो रहा है, ये बैटर पहले से रेडी करके रखा गया है। ये इसके अंदर जाता है मेयोनीज़ चीज़ वगैरह ये सब मिक्स रहता है। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है बैटर देखने को। और वहाँ पे हो रहा है हमारा मोमो तैयार, देखता हूँ कितना देर में ये रेडी होता है। तो भाई देखिए, ये जो हमारा मोमो तो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकाल लिया गया यहाँ पे। ये देखिए टोटल इसके अंदर 5 पीस रहता है मोमो का। ये देखिए 5 पीस मोमो का अच्छे तरीके से देखिए इसको निकाल दिया गया। ये देखिए बढ़िया तरीके से इसके अंदर डाल दिया गया बैटर के अंदर, अभी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स किया जाएगा। ये देखिए भाई पूरा सा लवालव भरा हुआ, ये पूरा जाता है क्या या इसमें थोड़ा सा जाता है? हाँ तो बहुत ज़्यादा है उसके अंदर नहीं आएगा। ये देखिए अच्छे से इसको यहाँ पे पूरा बैटर में अच्छे तरीके से लवालव इसको मिक्स किया जा रहा है। ये कुल्लड़ आ गया हमारा, ये देखिए टोटल 5 पीस यहाँ पे मोमो रहते हैं। ये देखिए भाई, भाई देखने में तो बहुत ही यमी लग रहा है और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे सब कुछ मेंटेन करके बनाया जाता है। ये देखिए अच्छे से पहले फ्राई हो गया और बैटर में देखिए बैटर के अंदर मोमो भी खो गया, इतना ज़्यादा बैटर इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से इसके ऊपर आ गया 5 मोमोज, इसके ऊपर देखिए इतना ज़्यादा फीलिंग्स है। ये देखिए भाई, ये देखिए भाई कितना ज़्यादा बैटर इसके ऊपर जा रहा है। ये देखिए अच्छे तरीके से पूरा जो है कुल्लड़ पूरा भर दिया गया है, ऊपर तक पूरा भर चुका है ये कुल्लड़। अभी आएगा हमारा ये प्रोसेस चीज़। अभी देखिए चीज़ देखते कितना दे दिया जाता है। ये देखिए भाई चीज़ देखिए भर भर के इसके ऊपर आ रहा है। ये देखिए भाई, ये देखो भाई कितना ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ आ गई इसके ऊपर। अब ये थोड़ा स्पाइसी जाने वाला, ये आ गया आपका ऑरिगैनो ऊपर से। ये चिली फ्लेक्स आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे साफ सुथरे तरीके से, ये प्रिपरेशन हो रहा है पूरा। ये आ गया मसाला, ये कौन सा मसाला है भैया? पेरी पेरी मसाला। ये देखिए ब्रांडेड यहाँ पे जो है मसाला यूज़ किया जाता है, कोई भी लोकल यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। ये देखिए ये किया का मसाला है। ये देखिए इसका प्राइस कितना रहता है भैया? 139। देखिए 139 में इतना बड़ा सा कुल्लड़ आपको यहाँ पे सर्व किया जाए, टोटल 5 पीस यहाँ पे मोमो रहता है। आपको कैमरा में देख के समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन बहुत ही बड़ा साइज़ का ये कुल्लड़ है। ये देखिए अभी जाएगा इसके अंदर ओवन के अंदर अच्छे तरीके से इसको प्रीहीट किया जाएगा। ये देखो भैया चला गया, ये कितना टाइम लगेगा भैया अभी इसको? 10-20 मिनट लगेगा इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर बेक होने में। तो भाई देखिए ये हमारा लग के रेडी हो गया, ये कुल्लड़ मोमो अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। भाई भैया और कुछ जानने वाले इसके ऊपर? ये रेडी हो गया ये पूरा गर्मा गर्म। ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। इसको फिलहाल ट्राई करता हूँ, ट्राई करके पहुँचाता हूँ कैसा लगता है भाई। ये हमारा आ गया ये कुल्लड़ मोमो, भाई देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसको। तो भाई देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया कोलकाता का फर्स्ट भाई ये वाला है कुल्लड़ मोमो, सामने से दिखाता हूँ आपको। इधर आइए, ये देखिए भाई चीज़ देखिए लवालव दिया गया था इसके अंदर। ओ भाई चीज़ फुल देखो भाई, ये देखो भाई चीज़, ओ भाई चीज़ भाई बहुत ही भर के दिया गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसको मैं ट्राई करता हूँ, दिखाता हूँ कैसा है भाई। देखिए इतना लवालव चीज़ से भरा हुआ है भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बोलिए ये 139 रुपीज़ का है लेकिन भाई 5 पीस मोमो दिया गया था, इसको ट्राई करके बताता हूँ कैसा है। फ्राइड मोमो रहता है, ब्लड ट्राई करता हूँ। ओपन
भाई बहुत ही यम्मी लग रहा है। मैंने इसका पूरा क्रीम अच्छे से सुपर लग चुका है, पूरा सॉगी नहीं हुआ है, क्रंचीनेस इसके अंदर भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जो चीज़ का क्वांटिटी है वो भर भर के दिया गया है भाई, खाने में टेस्टी। और चिकन का जो यहाँ पे जो क्वांटिटी दिया गया बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी इसके अंदर, चिकन और सारे फिलिंग्स अंदर बहुत ही भरपूर मात्रा में दिया गया भाई, खा के मज़ा ही आ गया ये वाला। अगर मैं पूरा और एक बार ट्राई करके देखता हूँ इसके अंदर का थोड़ा सा जो ग्रेवी है वो निकाल के देखता हूँ भाई। ये देखो हार्ड हो चुका है पूरा, देखो भाई इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, ये देखो भाई, ये देखो भाई इसके अंदर का फीलिंग देखो भाई। इसके इसके साथ मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये देखो भाई मोमो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसको ट्राई करता हूँ एक बार। बहुत बढ़िया भाई, ये जो है ओनली 139 रुपीज़ इसका प्राइस है भाई, बहुत ही बढ़िया है, वर्थ इट है। कूलर मोमो मुझे कॉन्सेप्ट कोलकाता में कोई नहीं रहा पहले, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कूलर मोमो का कॉन्सेप्ट, और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार बनाए, बहुत ही जल चुका है उतना कुछ खास नहीं, लेकिन दिया खाने में बहुत ही बढ़िया है, मुझे भाग मज़ा आ गया। ये है मेरी कलकत्ता बोल के नाम है, यहाँ प्रॉपर जो एग्जैक्ट जो इसका लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जरूर से आइएगा इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ का जो कूलर मोमो। और भी सारे चाइनीज आइटम आपको, चाइनीज आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जरूर से आइएगा इसको ट्राई कीजिएगा भाई। कूलर मोमो इनका फेमस है, कूलर बहुत ही गर्मा गर्म है अभी फिलहाल, ये देखिए और भी बहुत सारे आइटम है, बहुत ही हेवी टाइप का है इसके अंदर। अगर आते हैं आप दो जन आराम कर सकते हैं, अगर आप एक जने और मोमो लवर हैं तो आपको ये कूलर दो तीन खा ही जाएंगे अकेले, इतना अच्छा लग रहा है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो जी हाँ, मेरी सबसे तो हाई रिकमेंड है, अगर कभी आपके हैं तो जरूर से इसको ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी ऐसे फूड रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को इस तरीके से फॉलो करते रहिएगा। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी और स्टे फूडी भाई। मोमो बढ़िया है, जरूर से आइएगा ट्राई कीजिएगा, और नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा कि मोमो कैसा लगा आपको, नहीं तो मुझे आप इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय। भाई लवालब इसके अंदर चीज़ दिया गया, ये इतना बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ है भाई, चीज़ देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, फूल वगैरह बहुत ही बढ़िया है चीज़ का, ये देखो ओ भाई साहब। और इसके अंदर देखो जितना सारा फीलिंग्स दिया गया था, ये देखो मोमोज देखो भाई इतना बढ़िया लग रहा है भाई, मुझे पूरा लवालब इसके अंदर सारा जो है म्यूनिज वगैरह फिल किया गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई देखने में।